हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीएस सर। आज हम लोग पढ़ा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पार्ट। सर ये तो पढ़ा चुके हैं, आज मैं पढ़ा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा सर, ये बेसिकली स्टैंडर्ड के लिए, सबके लिए, सब देखो ओके। और इससे बाहर कुछ आया तो तुम लोग 5 तारीख के बाद कमेंट सेक्शन में बोलना, देख लेना ओके। तो पहला जो स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, ये फर्स्ट है असाइनमेंट नंबर वन। तो सर देखते हैं कितना क्वेश्चन होगा, कैसे क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन का फोटो भी भेज देंगे, लेकिन क्वेश्चन में लिख देता हूं। तो पहला है फाइंड द मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, बेसिक बताते चलूंगा साथ में। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए तो रामबाण है, रामबाण। एक्स दिया हुआ है, एफ दिया है, हॉरिजॉन्टली दिया होगा, वर्टिकली लिख दिया इसको सबसे पहले तो ओके। सर डायरेक्ट मेथड क्या होता है, क्या निकालना, मीन निकालना, चलो सीखेंगे सब कुछ ओके। सबसे पहले क्या निकाल दो, ये एफ है, ये एफ आई है ओके, तो xi निकाल दो। अरे सर xi तो दिया हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या निकालेंगे, fi xi यानी प्रोडक्ट ऑफ fi into xi, 10 7 जा 70 ओके, देखते चलो 38 जा 240। एक एक चीज बताएंगे आराम से, 50 10 जा 500, 70 into 50, सारा का सारा चैप्टर कराने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में बता चलना कि कैसा लगेगा तुम लोग को लास्ट में ओके। चलो भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, फिर निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, यहाँ सिग्मा एफ आई निकाल लो। सिग्मा मतलब क्या होता है सर, सम ऑफ ऑल 8 7 15 25 40 50 हो गया ठीक है ओके। यहाँ देख लेते हैं भाई कैसे प्लस करेंगे, 270 + 40 + 70 310 810 ओके, 860 ओके, 1950 2750 2750। तुम लोग तो भाई प्लस करना आराम से, जीरो 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 ओके, ये टू है, थोड़ा कर्सिव लिखते हैं ओके। मीन निकालना है सर, मीन को डिनोट किससे करते हैं, मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मीन मेथड का, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल, सारा सारा बनेगा तुम लोग से ओके। जो जानता है वो मेरे साथ बना, चलो 2750 / 50 और ये 55 बार में कट गया, तो 55 पहला आया ओके। दूसरा क्वेश्चन में है द मीन ऑफ द गिवन डाटा इज 14, मीन दिया हुआ भाई देखो यहाँ पर 14 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के दिया हुआ है यहाँ पर निकालना। सर ये तो हॉरिजॉन्टली रहेगा, इसको वर्टिकल कर लेंगे ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एफ आई एक्स आई, एफ आई मतलब एफ वन एफ टू एफ थ्री, एक्स आई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, 5 7 = 35, 10 × k 10k ओके, 15 8 = 120 देखते चलो बच्चों, 24 = 80, 25 5 = 125। फिर उसके बाद सर ने सिखाया था कि सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, और क्या निकालना, सिग्मा एफ आई। एक चीज देखना बच्चों, जो जनरली बच्चे गलती करते हैं, जब ऐड करते हैं ना 7 + 8 = 15 19 24 24 + k = 24k लिख देते हैं, गलती करते हैं, तो जोड़ना मत। देखो इधर 24 + k अलग चीज है ठीक है ओके ठीक है। फिर इधर जोड़ेंगे 35 155 155 + 125 160 180 280 और 360। फिर से देख लो 35 125, इसको जोड़ दो ओके, 160 280 360 + 10k थोड़ा सा समझ जाएगा, 360 + 10k। सर मीन को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स बार, क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। मीन कितना दिया हुआ है, 14, देख लो बच्चों किस टाइप क्वेश्चन रहेगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना, 360 + 10k बाय सिग्मा एफ आई कितना, सिग्मा एफ आई है 24 + k, सो 24 × 14 ठीक है ओके, 336 + 14k इज इक्वल टू 360 + 10k ओके, 14k - 10k कितना आएगा, 4k और बराबर 24, तो k बराबर कितना आया, 6। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये इधर आया तो माइनस होगा, थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है। इसमें सी आई दिया है 2 to 8 8 to 14 14 20 20 26 26 से 32, ये एफ दिया हुआ है। सर क्वेश्चन तो सेम है,
इसमें लिखा है फाइंड द मीन बाय assumed mean method. क्या लिखा है? assumed mean method. ये assumed क्या होता है? ओ यहाँ 2 से 8 दिया, ये क्या होता है? क्लास इंटरवल, ci means क्लास इंटरवल. उसमें डायरेक्ट x दिया हुआ था, क्लास मार्क दिया हुआ था, उसको बोलते हैं क्लास मार्क. सर क्लास मार्क नहीं दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे? सुनो बच्चों, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? 2 2 8 है, बस इस दोनों को जोड़ो, 2 plus 8 10 10 by 2 कितना हो गया 5. मतलब इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, 8 plus 14 22 by 2 कितना हो गया 11. उसी तरह 14 to 20 कितना होगा? ओके ऐसे निकालोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा. सर डिफरेंस कितना गया 2 to 8 में? 6 का 6 जोड़, चलो 5 plus 6 11, 11 plus 6 17, 17 plus 6 23, 23 plus 6 29. चलो ठीक है. सर अगर निकालना होता assumed method से नहीं direct mean method से, तो fixi निकालते हैं और प्लस करते हैं और क्या लिखते हैं? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई. ये तो तुम्हारा डायरेक्ट मीन मेथड से था. ओके जब ये दिया, लेकिन हमको निकालना है एज्यूम मेथड. एज्यूम करके मानना, क्या एज्यूम करेंगे सर? देखते हो इसमें डिफरेंस निकालेंगे. किसका डिफरेंस निकालेंगे? डिफरेंस किसका निकालेंगे? एक्स आई माइनस ए. सर ये ए क्या लिखे हैं? यही तो एज्यूम करना है. देखो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 का हाफ करो 2.5 से नेक्स्ट नंबर कौन आता है? 3 आता है, तो 1 2 3. एक चॉइस सुन ला, चूज ए फ्रॉम एक्स आई, ये याद रखना, चूज ए फ्रॉम एक्स आई, एक्स आई से चूज करना, ये चीज याद रखना, ठीक है, कर दिया. फिर डी आई निकाले, डिफरेंस एक्स आई माइनस ए, ये जो एक्स आई है हर एक एस करेगा. समझ में आ गया? सर अगर ये 1 2 3 4 5 है, अगर 6 देता तो 6 by 2 करो, 3 तो मिल गया ना, थर्ड वन ऐसे भी था. 7 देता तो 7 by 2 3.5, यानी कौन था? फोर्थ वन. समझ के ऊपर से गिनना है, ठीक है. एक्स आई माइनस ए मतलब एक्स आई माइनस ए, थोड़ा सा इसको यहां लिख देते हैं एक्स आई माइनस ए, ठीक है. अच्छा 5 minus 17 minus 12 11 minus 17 minus 6, यार 0 हो गया. 23 minus 17 6, 29 minus 17 12. अब निकालेंगे FIDI, ठीक है, FIDI. यहां देख FI है, DI है, minus 72, ठीक है, 3 minus 18. फिर देखिए चलो 12 0, 11 6 जा 66, 12 8 जा 96. ओके फिर उसके बाद ये तो FIDI निकला. सिग्मा FIDI निकालने का टेक्निक सिखाएंगे तुम लोग को, और यहाँ सिग्मा FI, चलो सिग्मा FI निकालते हैं. 6 3 9 9 12 21 32 40 हुआ सिग्मा FI निकल गया. सिग्मा FI XI कैसे निकालेंगे? चलो भैया एक तरीका ऐसा, 96 minus 72 करोगे 24, 66 minus 18 करोगे, ठीक है, ये तो मालूम निकलेगा, क्या निकलेगा, 48, 48 प्लस 24 72 निकलेगा. तरीका समझे क्या करना है? समझे ना? हाँ समझ गया, ठीक है. कैसे कैसे करना है फिर तरह जाते हैं. 96 बड़ा वाला पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड 72, इस दोनों को करेंगे 96 में 72 गया कितना आएगा 24, फिर प्लस 66 में 18 गया कितना आएगा 48, जोड़ देंगे, ठीक है. अच्छा भाई मीन निकालना है. ओके अच्छा जब डायरेक्ट मीन मेथड था सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई था, जब एज्यूम्ड मेथड आएगा तो सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, बस में ए प्लस कर देंगे. भाई ए कितना है? ए कितना है? ए कितना है? 17. सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? 72. अब भाई सिग्मा एफ आई कितना है? 40. लोग करते क्या है यहां पर, एलसीएम निकालते, रुको ठीक है, यहां पर ही डेसिमल में कन्वर्ट कर देना नियम, ठीक है. 41 जो 40 40 जो 30 कितना है 18.8, ठीक है. एक और क्वेश्चन तुम से पूछते हैं कि बाबू एज्यूम मेथड से 18.8 आया, अगर डायरेक्ट मीन मेथड से निकालते तो क्या आंसर डिफरेंट आता? कमेंट सेक्शन में लिखो. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब क्वेश्चन में चेंज आया है मीडियन निकालना. पहले मीन तो पढ़ लिए भाई, मीन में दो मेथड पढ़ना है, एज्यूम मेथड और डायरेक्ट मेथड. ओके स्टेप डिवीजन हटा दिया गया इस बार के सिलेबस से. मंथली कंजप्शन दिया है, नंबर ऑफ कस्टमर्स दिया है. एक चीज देखना बाबू, ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है. देखो पहले 4 5 13 20
फिर 14 हो गया, मतलब ये पक्का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ओके आगे क्वेश्चन देखेंगे उस डेविएशन कैसे चेंज आता है, चेंज कैसे आता है भाई, ऐसे देखो ऐसा ऐसा ऑर्डर में हो, ओके कुछ असेंडिंग कुछ डिसेंडिंग ऐसे रहे तो फ्रीक्वेंसी होगा। मीडियन निकालने में हमेशा सी एफ निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है, ओके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट नंबर होता है, ओके द फर्स्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेम एज द फर्स्ट नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, ऐसा समझता जो भी है, चार चार, ओके ये आगे भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट वाला प्लस करेंगे, फोर प्लस फाइव, फोर प्लस फाइव कितना आया, नाइन। फिर दूसरा प्लस करो, नाइन प्लस थर्टीन कितना आया, 22, 22 प्लस 20, 42, 42 प्लस 15, 56, 56 प्लस 64, ये कितना है, 68, ठीक है। यही हुआ सिग्मा एफ, ये 68 आएगा और इसको भी जोड़ के 68 आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सिग्मा एफ, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद रखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में निकालते हैं, मीन में या मीडियन में, मीडियन में, ओके सी एफ में पहला नंबर सेम उसके बाद जोड़ते जाना, ऐसे ऐसे प्लस प्लस ऐसे ऐसे कर दिए, 68 आया, ठीक है। ओके सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एन को ही कहते हैं सिग्मा एफ, सबसे पहले एन बाय टू निकालो, ठीक है, ओके सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज दैट इज एन, एन बाय टू निकालो, 68 बाय टू, 68 बाय टू कितना निकल, 34। अब हम लोग देखेंगे कि किसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 से ज्यादा है, 34 से ज्यादा है ये वाला, इसको घेर देंगे, घेर दिए, ध्यान से देखते हैं ना। तो ये वाला हुआ तुम्हारा F, ये मीडियन क्लास, और यहां पे हुआ CF। सर CF तो सी पूरा है, CF नॉट है मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, ओके जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ये हुआ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास सबसे पहले मीडियन क्लास लिख ले भाई, मीडियन क्लास कितना है, 125 से 140, तो इसका लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट है 125, एच कितना है 20, एच कितना है 20, ओके 20 डिफरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एन बाय टू निकला, फ्रीक्वेंसी कितना निकला, फ्रीक्वेंसी 20 निकला, सी एफ कितना निकला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके ये देखो 22। तरीका फिर सिखा देता है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर जो आएगा वो n, n by 2 निकालो, 34 निकलेगा, 34 से ज्यादा कौन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये उसको एकदम घेर दो, बेहतरीन ले डब्बे में आ दो, ओके जो अच्छा लगे तुमको वही करो, तुम्हारी मर्जी, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, इसके ऊपर वाला होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, पीछे वाला मीडियन क्लास भी लिख दिया, l भी लिख दिया, ठीक है, n by 2 भी लिख दिया। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बच्चों मीडियन का फॉर्मूला होता है l प्लस h इंटू, यहां तक याद करो l प्लस एच, ये क्या मॉड मिल जाता है, बाय टू माइनस सी एफ बाय एफ। सर लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट 125 है, सर h कितना है, h h h 20, रुको एक गलती करते, कॉमन मिस्टेक सब लोग करता है, n बाय टू, n बाय टू कितना है, n बाय टू 34, सी एफ 22, एफ 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 20, कैलकुलेशन ये सब बच्चा सब करता क्या है, 125 प्लस 20 कर देता है 145 देता है, गलत हो गया, ये सारा एक ब्रैकेट में है, ठीक है, और तो कैलकुलेट करो, 120 निकल गया, तो 125 प्लस 12 137। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, फाइंड मीडियन, ओके तो क्वेश्चन लिखा है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, अच्छा पता चलेगा कि 5 का अंतर है भाई, तो ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बनता है, इसमें चाहिए मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास लिख लेंगे, बिलो 20 है 20 से 25 है, मतलब बिलो 20 मतलब 15 से 20, सर 5 का क्या है अंतर तो समझ में आ गया होगा, 15 से 20, तो बिलो 25 को क्या लिखेंगे, 22 25, बिलो 30 को क्या लिखेंगे, 25 to 30, डायरेक्ट बताओ, बिलो 25 को 30 to 35, बिलो 40 को 35 to 40, और उसके बाद 40 से 45, 45 से 50, समझ में आ गया होगा, 50 से 55, और 55 से 60, पहले मैं मीडियम क्लास में लिखा है, बिलो रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तुरंत बच्चे लोग करते क्या है, तुरंत लिखे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तुरंत लिखे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और दो लिखे फिर एट लिखे, फिर एक चीज देखो ना भाई, ये असेंडिंग ऑर्डर है, यही तो पहली बार बोल देते हैं,
असेंडिंग ऑर्डर में है पूरा का पूरा, देखो इसे दोबारा कहीं डिसेंडिंग है, असेंडिंग डिसेंडिंग है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये है सीएफ क्यूरेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट मेंबर तो मैंने कहा तो सेम ही होता है। नेक्स्ट देखो आई प्लस करते ही माइनस करेंगे, 6 माइनस 2 कितना होगा 4, 24 माइनस 6 18, 45 ठीक है 21, फिर ओके 85 भी और 3 3 ऐसे माइनस करना 1 1 ठीक है 0 3 6 2 जोड़ के पक्का 100 आएगा। ठीक है समझ में आ गया, ये फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं सीधे फॉर्मूला लिखते हैं मीडियन, मीडियन सर मीडियन निकालने के लिए n बाई 2 निकालना पड़ेगा, n कितना निकला है 100 बाई 2 कितना आ गया 50 आ गया, 50 से बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है 78 है, तो ये हो गया मीडियन क्लास। अब सब समझने लगा होगा, ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, ये हो गया तुम्हारा सीएफ, और ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा मीडियन क्लास। तो एल प्लस एल प्लस एच इंटू एच इंटू एन बाय टू, एन बाय टू कितना निकला 50 माइनस सीएफ, सीएफ कितना निकला 45 बाय एफ, एफ कितना है 33 ठीक है। तुम लोग एक चीज और बताए थे, क्या बताए सर बताइए थे कि इसको यही चेंज कर देना 35 प्लस 25 बाय 33, सो कैलकुलेट करके बताओ कमेंट सेक्शन में कितना आंसर है। ठीक है आगे इस बार मीडियन दिया हुआ 28.5 और बोल रहा है एक्स और वाई निकालने के लिए, तो कुछ नहीं सीएफ निकालेंगे, सीएफ में 5 है दूसरा कितना होगा 5 प्लस एक्स और तीसरा कितना होगा 25 प्लस एक्स और ये कितना हो गया 40 प्लस एक्स, ये सर कितना हो गया 40 प्लस एक्स प्लस वाई और ये कितना हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। सर n बाय 2 निकाल रहा हूँ ओके, सिग्मा एफ दिया गया तो ना सिग्मा एफ दिया था सिग्मा एफ 60 है, सिग्मा एफ भी 60 दिया हुआ हूँ ओके, सिग्मा एफ 60 दिया हुआ है, ये दिया हुआ रहेगा भाई ठीक है। मतलब n बाई 2 निकालना, n बाई 2 कितना हो गया 60 बाई 2 कितना हो गया 30, सर 30 से ज्यादा सी एफ जैसे ये मान लीजिए 25 प्लस एक्स है 30 से ज्यादा, अरे देख रहा 10 20 का अंतर है तो इसका मतलब x का वैल्यू कुछ तो होगा भाई ओके 10 के करीब भी होगा, तो 25 प्लस 10 कितना होगा 35 हो जाता है, इसलिए सोच के थोड़ा सोच के दिमाग आके n बाई 2 कितना निकला 30 निकला। मीडियम क्लासेस कैसे कर देती है 30 से ज़्यादा होना चाहिए, 30 ज़्यादा 25 प्लस कुछ भी ठीक है। अच्छा 30 से ज़्यादा होना चाहिए हाँ सही तो है ठीक है, फिर इसके देखो ये हुआ मीडियम क्लास, तो L कितना हुआ 20, H कितना हुआ 10, F कितना हुआ 20, सबसे पहले ये सब लिख लिया करो इसमें भी नंबर होता है ठीक है ओके, और ये सी एफ हो गया CF कितना हुआ 5 प्लस एक्स, मीडियन का फॉर्मूला फॉर्मूला लिख के बनाए, मैं तो बच्चों को यही बोलूंगा एल प्लस एच इंटू बताओ एन बाई टू या माइनस सी एफ बाय एफ, तो राइटिंग खराब है इसी है भाई ठीक है। मीडियन कितना है 28.5 ठीक है, और लोअर लिमिट कितना है 20, एच कितना है 10, एन बाई टू कितना है 30, सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स। देखो बच्चों यहाँ पर एक एक चीज देखो, एफ कितना है एफ 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 यहाँ क्या करना है, यहाँ माइनस प्लस मत कर देना इसको, इधर लेते हो 28.5 माइनस 20 8.5 10 0 घटा, और यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस होगा ठीक है, मल्टीप्लाई किए 8.5 एक्स पावर कितना होगा 25 माइनस 17 8, तो दिक्कत है ठीक है सर ये एक्स निकल गया, सर ये तो मुझे कौन होता है ठीक है, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई
एक्स प्लस वाई बराबर कितना 60, वाई बराबर 60 माइनस 53। नमस्कार बच्चों, एक चीज याद रखना, एट द लास्ट तुम तो है ब्रैकेट में आंसर लिखा करो, एक्स बराबर 8 वाई बराबर 7 आंसर ऐसे लिखा करो। इसे बोल रहा है फाइंड द मॉड निकालने के लिए। क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इसका, ठीक है। देखो ध्यान से बच्चों, ऐसा करते हैं सर, ये 8 है, यहाँ डब्बा बना दिए, यहाँ डब्बा बना दिए, तो 8 के पहले क्या होता है 7 और 8 के बाद क्या होता है 9, मतलब एक कम और एक ज्यादा, एक कम और एक ज्यादा, इसको मान लें F1। एक कम कितना हुआ F0 और एक ज्यादा कितना हुआ F2। कैसे निकालें सर मॉड क्या होता है, जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, किसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 16 का, उसको F1 माने, उसके पहले F0, उसके बाद F2, ठीक है। तो सर ये क्या है, ये मॉडल क्लास है, क्या है मॉडल क्लास, मॉडल वो वाला मॉडल है भाई, मॉडल क्लास कितना मॉडल क्लास 45 to 60, ठीक है। तो तुम लोग बताओ बाबू L कितना है 45, यहां देखो H कितना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया 15, H कितना हुआ 15, ठीक है। L भी हो गया, H भी हो गया, ठीक है। फिर इसमें निकालना क्या है, F1 कितना 16, F0 10, F2 12 लिख लो, F1 16, F0 10 और F2 12, ठीक है। इसमें क्या निकालना, मॉड, पहले सारा कुछ देख लिए। क्यूबिटी फ्रीक्वेंसी किसे निकालते हैं, मीडियन में, ठीक है, ओके। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई किसका है, एसयू ने एफएन में मीन निकालने का, सोचो बस सोचते रहो, ओके। मॉड निकालना है, जितना ही बेरोजगारी करना कर लेना एग्जाम के बाद, अभी नहीं, मॉड निकालना है। तो मॉड में देखो मीडियन में से था एल प्लस एच, इसलिए बोलते याद कर लेना, ठीक है। इसमें देखो, यहां से देखो F1 माइनस F0 लिख दिए, सेम नीचे भी लिख दिए F1 माइनस F0, लेकिन F2 को बुरा लगा तो F2 भी लिख दो, ये दो लोग हो गए, तो F1 याद करना इजी है, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, बस यहाँ 2 लिख दो, F2 लिख दो, बस हो गया। L कितना है बच्चों 45, H कितना है 15, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 16 माइनस 10 6 बाय 2 F1 16 2 जा 32 माइनस 0 10 माइनस 12, यहां कैसे करते हैं देखना ध्यान से बच्चों सारा कैलकुलेशन यही कर लेंगे इसको जोड़ने देंगे 15 इनटू 6 एक बार अच्छा करो 32 में 10 गया 22 में 12 गया 10 5 3 15 5 2 3 6 3 9। तो आज हम लोग सीखे मीन मीडियन एंड मॉड, ओके। कभी कभी कंबाइंड क्वेश्चन में तुमको देगा मीन मीडियन मॉड और कुछ इंपेरिकल फॉर्मूला, कुछ बस थोड़ा टॉपिक है बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला बस 10 क्वेश्चन करना है एक एक्सरसाइज है, उससे ज्यादा नहीं, यही क्वेश्चन ना इसी से आएगा एग्जाम में, ओके। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, याद करना है। इफ मीडियन बराबर 20 यूनिट्स मीन 20 यूनिट्स फाइंड द मॉड, मॉड का फॉर्मूला देखेंगे, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सर 3 मीडियन, 3 मीडियन 20 माइनस 2 मीन 60 माइनस 40 20 20, ये भी 20, ये भी 20, सारा 20 यूनिट्स, ओके। ये हुआ एम्पिरिकल रिलेशन। सर इससे मॉड में और उस वाले मॉड से क्या अंतर होता है, इससे देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है सीआई और फ्रीक्वेंसी, ओके, क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हम लोग क्या निकाल लेंगे, अगर मीन मीडियन मॉड निकालना दोनों तीनों अगर किसी क्वेश्चन में दिया, तो मीन कैसे निकालेंगे, ओके, डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, एक्स आई कैसे निकालेंगे 0 से 20 का एक्स निकालेंगे, तुम लोग भी तो थोड़ा मेहनत करो, ओके। फिर मीडियन, मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन में सबको प्लस करेंगे 15 6 11 11 15 21 21 18 40 40 49, ओके। फिर उसके बाद 2 निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे वो भी बन जाएगा। फिर मॉड क्या होगा, मॉड एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करेंगे। जब किसी क्वेश्चन में मीन मीडियन दिया है और मॉड निकाला हो, तो मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन निकलेगा। सुनो एक बात, थोड़ा सा डिफरेंस निकलेगा आंसर में, थोड़ा सा क्या निकलेगा डिफरेंस निकलेगा आंसर में, ओके। मतलब अगर मान लो 20 यूनिट्स है, ठीक है, तो 19.5 थोड़ा सा क्या अंतर होता है, ठीक है, वो भी करेक्ट कर दिया जाएगा जब किसी क्वेश्चन में मीन मीडियन मॉड दिया और मॉड एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज
के। ओके एक क्वेश्चन और आ सकता है, वो क्वेश्चन क्या है कि 0 से 20 है ठीक है। ओके मान लो जो भी है तुम्हारा, फिर उसके बाद ये कंटिन्यूअस नहीं है, 21 से 40, फिर 41 से 60, फिर 61 से 80। ओके तो एक देखो तुम्हारा 1 से 20, 21 से 40 दिया हो तो कभी क्या करेंगे, लोअर लिमिट या अपर लिमिट, जब कंटिन्यूअस ना हो तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ते हैं और उसके बाद इसको बनाते हैं मीडियन पॉइंट जब कंटिन्यूअस ना हो। फिर सुनो सब में ये दोनों सेम होता है सब में, ओके पहला का अपर लिमिट दूसरा का लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ सेम नहीं हो तो सेम नहीं हो तो क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में से 0.5 प्लस करते हैं, फिर माइनस प्लस आप देखो सेम हो गया तो बना लेंगे बन जाएगा। ओके 10 क्वेश्चन बनाना है, बस इतना ही क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम में इतना ही आएगा। ओके और कैसा लगा ये जितना भी चैनल बनाया, ओके जितना भी क्वेश्चन बनाया वो कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा। ओके मैं आगे ही बनाऊंगा और किस चैप्टर का बनाऊ। ओके थैंक यू और देखते रहे एमपीएससी सर्कल, जॉइन फील द डिफरेंस।